थाना जामो पुलिस द्वारा 1,50,000 कीमत की अवैध अपमिश्रित देसी शराब के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार। जिले के थाना जामो के अंतर्गत पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग अभियान के क्रम में अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध अपमिश्रित शराब की बिक्री हेतु विरुद्ध अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान में आज थाना जामो प्रभारी निरीक्षक अंगद प्रताप सिंह मैं हमरा मुखबिर की सूचना पर एक सफ़ेद रंग की ब्रेजा व एक लोडर पर नकली अपमिश्रित देसी शराब के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। तलाशी के दौरान ब्रेजा वाहन UP 32 LD 1078 से 8 पेटी व लोडर वाहन UP 36 96 38 से कुल 10 पेटी अवैध शराब बरामद हुआ। पुलिस से पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अवैध शराब लाते हैं व जगह जगह गाँव में सप्लाई कर भेजते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में विवेक सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम पूरे जालिम सिंह मजरे उमराडी, अभिषेक कुमार मिश्रा उर्फ राजन पुत्र राकेश कुमार मिश्रा निवासी ग्राम बलभद्रपुर, सुरेंद्र कुमार राणा पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम खुन्ना काताल मजरे रामपुर चौधरी, बबलू अग्रहरी पुत्र शीतला प्रसाद निवासी ग्राम गौरा खास थाना जामो को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। फरार अभियुक्त शुभम पांडे पुत्र अशोक पांडे निवासी द्वारिका पांडे का पूर्वा मजरे लोरिकपुर भागने में सफल रहा। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। पहले अमेठी में अवैध शराब का एक बड़ा गुड़वर्क हुआ है, किस तरीके से पूरा अभियान चला रहे हैं आप? पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार अवैध मदिरा और अपमिश्रित मदिरा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल जामो थाने की पुलिस और SOG की संयुक्त टीम को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत 18 पेटियाँ 810 शीशी की शीशियाँ बरामद हुई हैं। ये लोग अपमिश्रित मदिरा है, ये शायद गैर जनपद से ला करके यहाँ बेची जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, विवेक सिंह, अभिषेक कुमार, सुरेंद्र कुमार राणा और बबलू अग्रहरी। इनके पास से एक ब्रेजा गाड़ी और एक लोडर वाहन भी बरामद हुआ है। ये अभियान अभी जारी रहेगा और अवैध मदिरा और मिश्रित मदिरा का व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को के बारे को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध हम आगे गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी करेंगे और इस टीम को मैं उत्साहवर्धन के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार संयुक्त टीम जो है जामो की और SOG को दे रहा हूँ। लगातार जो है अमेठी का आबकारी महकमा भी आपके साथ कदम ताल मिला रहा है। अभी पड़ोसी जनपद में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत भी हुई है, तो किस तरीके से ऐसे लोगों पर नकेल कसेंगे? जो सप्लाई की चैन है इसको कैसे ब्रेक करने का प्रयास है? लगातार हम विभिन्न माध्यमों से अब सूचना संकलन कर रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और टीमें गठित कर दी गई हैं और जनपद के बॉर्डर्स पर भी चेकिंग हो रही है, सूचना संकलित भी कर रहे हैं और ऐसे स्थान जहाँ की अपमिश्रित मदिरा बनाए जाने की पूर्व में सूचनाएं रहीं वहाँ भी हम लगातार सक्रिय हैं।